Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन यानी बुलडोजर एक्शन पर मंगलवार को रोक लगा दी। ये रोक 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाए जाएं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहे हैं। इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के तहत दहाने की छूट रहेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डेमोलिशन की कार्रवाई जहां हुई है वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करके हुई है। एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप गलत है, एक तरह से गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इस नैरेटिव से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, हम ये साफ कर चुके हैं कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं। हम एग्जीक्यूटिव जज नहीं बन सकते हैं, जरूरत है कि डेमोलिशन की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन हो। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि कोर्ट के बाहर जो बातें हो रही हैं वो हमें प्रभावित नहीं करती। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या फिर नहीं। अगर गैर कानूनी डिमोलिशन का एक भी मसला है तो वो संविधान की भावना के खिलाफ है।